सियोन के सफर, सियोन के सफर, खुदा है साथ हमारे साथ, जाओ कदम बढ़ा के, थक न जाना फिर न जाना, ये सियोन के सफर, सियोन के सफर, सियोन के सफर, खुदा है साथ हमारे साथ, जाओ कदम बढ़ा के, थक न जाना फिर न जाना, ये सियोन के सफर। प्रेज द लॉर्ड। सियोन के सफर कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। ये कार्यक्रम गुड टाइडिंग सेवकाई के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है परमेश्वर का वचन आप लोगों तक पहुंचे और हम बाइबल को पढ़े, समझे और सिद्ध बने। आइए हम इस प्रोग्राम को देखते हैं। सियोन के सफर कार्यक्रम में आप हर एक दर्शकों का हम फिर से स्वागत करते हैं। मेरे पिछले हर एक एपिसोड आपके लिए आशीष रहा होगा और मैं विश्वास करता हूं कि आपके परिवार के लिए, आपके जीवन के लिए, कलीसिया के लिए ये एक आशीष का कारण है। हर बार ये एपिसोड को आप देखिए और आपके राय बताने के लिए हमें कॉल कीजिए। स्क्रीन के नीचे हमारे पता और फोन नंबर दिखाया जा रहा है, आप जरूर हमें कॉल करें और बताइए आपको परमेश्वर ने इसे क्या आशीष दिए हैं। मेरे पिछले एपिसोड में मैंने आपको कहा था बाइबल पौष्टिक भोजन है और जो आत्मा को भोजन देती है। उसके लास्ट में हम लोग ये देखे थे कि प्रेरित पौलुस इब्रानी कलीसिया को और कोरिंथियों के बीच में जब बातें करते हैं, उसे वचन को सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनको बताते हैं मैंने तुमसे ये देखा कि तुम सियाने नहीं बने हैं, यानी आत्मिक परिपक्वता में नहीं आ चुके हैं। तो मैंने आपको वायदा दिया था कि मैं वहां से इस एपिसोड में आपको बात करेंगे, आपको आगे की बातों को बताएंगे। ये आत्मिक लोग जिनको जो बताते हैं कि मैं आत्मिक हूं, अगर बाइबल अपने हाथ में नहीं लेते हैं या नहीं पढ़ते हैं, उसमें सिद्ध बनने की कोशिश नहीं करते हैं, तो अक्सर वो अपने जीवन में कभी सियाने में, मैच्योरिटी में, परिपक्वता में नहीं आ सकते। पौलुस ने ऐसा टीचिंग दिया था कलीसियाओं को कि उनके टीचिंग सुन करके लोग खुद शिक्षक बन जाए, दूसरों को समझाने वाला बने। लेकिन पौलुस देखा पिछले 30 साल के बावजूद भी बात भी उनके जीवन में कोई तरह की आत्मिक उन्नति विशेषता नहीं है। और कुरिन्थियों में भी ऐसे कई सारे चीजों को उन्होंने देखा। उन्होंने यह भी देखा कि कुरिन्थियों में ऐसे कुछ लोग हैं जो पाप को भी मान्यता देते हैं, यानी पाप करो कोई दिक्कत नहीं, ऐसा ही विचार रखने वाले कई लोग कुरिन्थियों के कलीसिया में हैं। कि आज भी शायद हो सकते हैं ऐसे कुछ लोग हैं जो ये बताते हैं कि यीशु मसीह को ग्रहण करो, बाइबल को पढ़ना शुरू करो, उसके बाद में आप कुछ भी पाप करो कोई दिक्कत नहीं। मैं आपको कहना चाहता हूं कि बाइबल उन तमाम विचारों के खिलाफत क्यों है, क्योंकि बाइबल चाहती है कि आपको हमेशा परिपक्वता में रखे, उन्नति में, बढ़ोतरी में लेकर के जाए, आप कभी एक शिशु के रूप में ना रहे। एक शिशु हो तो शिशु का जैसा सोचेगा, जैसे विचार करेगा, जैसा काम करेगा, लेकिन एक परिपक्व व्यक्ति ऐसे नहीं कर सकते हैं। विश्वास में जैसे जैसे समय कटते हैं या आप साल बीत जाते हैं तो आपके अंदर परिपक्वता दिखना चाहिए। मैं एक बात आपसे बताना चाहता हूं कि जैसे मान लीजिए आपका एक बेटा है, वो आपके घर में उनके एक एक साल जैसे जैसे काटा, आप उसका साल गिरा भी बनाते हैं, यानी बदले बनाते हैं, सब कुछ करते हैं, उसके बाद वो 10, 12, 13, 15 साल तक जब आते हैं
यानी 15 से 20 साल के बीच में उस बेटा का शरीर में बहुत बड़ा बदलाव परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। उसके अच्छे अच्छे ओठों में मूछे आना शुरू होते हैं, ऐसा धाड़ी भी थोड़ा थोड़ा आना शुरू होते हैं। तो आपको लगता है मेरा बेटा भी परिपक्व हो रहा है, बड़ा हो रहा है, मैच्योर हो रहा है। तो मेरा मतलब क्या है कि परिपक्व दिखाई देता है। ऐसे नहीं कि आप शिशु के रूप में फिर रहे। जिस बच्चे के चेहरे में मूछ आया है या धाड़ी आई है, तो वो लड़का कुछ और विशेष रूप में लोगों के सामने दिखाई देता है। उनके बोल चाल में भी फर्क आएगा, उनका कुछ डीलिंग्स में एक दूसरे के साथ जो डील करते हैं, व्यवहार करते हैं, उसमें भी फर्क आ जाएगा। मैं क्यों कहता है वैसे, क्योंकि एक विश्वासी हमेशा एक ऐसा साधारण सा क्रिश्चियन लाइफ, मसीह जीवन व्यतीत करके दुनिया में रहने के लिए परमेश्वर नहीं चाहता। अगर आप परिपक्व हैं तो ये दुनिया जानना चाहिए, यही व्यक्ति एक परिपक्व विश्वासी है। दुनिया ये समझना चाहिए इनके अंदर कुछ बदलाव है, ये पहला जैसा नहीं है अभी। सो आपके जीवन में, आपके जीवन की तौर तरीके में बदलाव आना, ये परिपक्वता का एक लक्षण है। परमेश्वर दास पौलुस कुरिन्थियों को कहता है, मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न ना खिलाया, क्योंकि तुम उसको ना खा सकते थे। अक्सर ऐसे होता है कि जब हम कुछ ज्यादा बात बोलना शुरू करते हैं, बाइबल के कुछ कठिन शब्दों का इस्तेमाल करना शुरू करते हैं, या कुछ विशेष सब्जेक्ट को हम खुलासा करते हैं, तो लोग बैठकर बोर हो जाते, बताते यार ये तो कठिन बात है, ये क्या जरूरत है इतनी बातों को समझाने का। बाइबल में आपको परिपक्व होना हो तो आपको बाइबल की विशेष ज्ञान में, नॉलेज में आपको मैच्योर होना, परिपक्व होना, वो विशेष जानकारी को हासिल करना जरूरी है। क्यों? एक व्यक्ति परिपक्व नहीं होता है, विश्वास में बढ़ोतरी नहीं पाते हैं, बहुत सारे कारण हैं। थोड़े समय के अंदर आपको मैं सब कुछ बता नहीं सकता, लेकिन गैलेशियंस चैप्टर 4 वर्स 1, गैलातियों की पुस्तक 4 अध्याय की पहला पद में ऐसे लिखा है, मैं ये कहता हूं कि वारिस जब तक बालक है एताबी सब वस्तुओं में स्वामी है, तो भी उसमें और दास में कोई भेद नहीं है। आप देखिए, मालिक तो छोटा सा लड़का है, बालक है, उनके पास सो है अधिकार, सब कुछ है, लेकिन वो बालक होने के कारण वो दास से कोई भिन्न नहीं, कोई अलग नहीं है। सच में दास उससे भी ज्यादा अधिकारी बन जाता है। यहां पर दास जो है मालिक से भी बड़ा व्यक्ति बन जाता है यहां पर, लेकिन ये बालक बड़ा हो जाता है और पढ़ा लिखा हो जाता है, उसका ग्रेजुएशन सब हो जाते हैं। उसके बाद में आप देखिए, उस बालक अभी बालक नहीं रहेगा, वो एक जवानी अवस्था में आया है और लोग उसको देखते रेस्पेक्ट करना शुरू करते हैं। और अब लोगों को भी पता है कि ये लड़का, ये व्यक्ति अभी सारे काम को संभाल सकता है, तो उसको आदर सम्मान करना, उनके कमांड को, उनके हुक्म को मानना शुरू करते हैं। मेरे प्रियो, इसी प्रकार विश्वासी भी, लोग भी, जब आप बाइबल पढ़ते हैं ना, तो आपके जीवन में इसी प्रकार की बढ़ोतरी आ जाते हैं, तो लोग आपके आदर सम्मान करते हैं। अगर अभी भी आप विश्वास में बालक हैं, तो आपको समाज में कोई आदर सम्मान नहीं मिलेगा, या स्वर्ग में भी जाने के लिए पता नहीं मुझे आप जा पाओगे या नहीं। क्योंकि ऐसा है कि अगर आप विश्वासी बन करके भी पाप में, गलती में, अंधकार में रहते हैं, तो कभी भी आप स्वर्ग में जा नहीं सकता, केवल नाम का एक विश्वासी हो सकता है। सो कहता हूं कि वारिस जब तक बालक है यदि सब वस्तुओं का स्वामी है, तो भी उसमें और दास में कोई भेद नहीं। बहुत लोग अपनी गवाही में बताते हैं, मैं 40 साल से विश्वासी हूं, मैं 50 साल से बाइबल पढ़ता हूं, लेकिन अगर आप उनके साथ एक नस्तिक संपर्क करने की कोशिश कीजिए,
पता लगेगा वो व्यक्ति का जीवन में कोई भी प्रकार कोई भी किसी प्रकार के बदलाव नहीं है। पहले भी बीड़ी पीता था, अभी भी बीड़ी पी रहा है, क्या बदलाव हो गया? पहले भी शराब पीते थे, अभी भी पी रहे हैं, क्या बदलाव हो गया? पहले भी झूठ बोलते थे, अभी भी झूठ बोलते हैं, क्या बदलाव हो गया? अपने परिवार में भी कोई किसी प्रकार की एक शांति कायम नहीं रखते हैं, मियां बीबी के बीच में भी लड़ाई झगड़े, किसी प्रकार के स्वांतना में खुशी में शांति में नहीं रह पाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उनके अंदर बढ़ोतरी यानी वचन में परिपक्वता नहीं आया। एक बार एक बेटी चर्च में जाकर के गवाही दी कि हम सब लोग हमारे पापा जी के लिए प्रार्थना करना, क्योंकि वो जब चर्च में जाते तो दूत और घर में आते तो भूत। आप समझ लीजिए वो बेटी की बिंदी प्रार्थना क्या है, मेरे पापा के रूपांतर के लिए यानी परिवर्तन के लिए प्रार्थना करना है। चर्च में आते तो सबके सामने बहुत स्वर्गदूत के समान दिखता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी टू गॉड, सब करते हैं, आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, सब कुछ होते हैं, लेकिन जब घर आते ही उनके जीवन में बदलाव आ जाते हैं, उनके बोल चाल बदल जाते हैं। चर्च में गोरा दिखता था, घर में काला दिखना शुरू हो जाते हैं। चर्च में हालेलुया था, घर में अभी गाली खुश। क्या परिवर्तन है भाई आपके जीवन में, क्या कुछ हुआ है, कुछ बढ़ोतरी हुआ? अगर आप विश्वासी हैं, अगर आप परमेश्वर के वचन को मानते हैं, पढ़ते हैं, तो आप हर जहां पे एक समान रहेगा। भले आप चर्च में जाएं या घर में रहे, एरोप्लेन में सफर करें, रेलगाड़ी में रहे, दफ्तर में जाए, कहीं भी क्यों ना हो, आप एक पवित्र व्यक्ति के रूप में परमेश्वर के वचन के तहत में अपने जीवन को रख करके आगे बढ़ेगा और एक अलग प्रकार के इंसान के रूप में आप दिखाई देंगे और आपके वचन के अंदर विश्वास की बातें होगा। आप जब बातें करते हैं तो दूसरों को प्रोत्साहन मिलेगा। कभी भी नकारात्मक बातें आपके मुख से निकल करके किसी को नरक के वारिस नहीं बना देगा। लेकिन आप अगर विश्वास में परिपक्व है, आपके अंदर मैच्योरिटी है, आप बाइबल अध्ययन कर रहा है, तो आपकी बोली में दूसरे लोगों को जीवन मिल जाते हैं। स्वामी जब तक बालक है तो दास से कुछ भी अलग नहीं, कोई भेद नहीं है। इफिसियों की पुस्तक 4 अध्याय उसका 14 वचन, इफिसियन चैप्टर 4:14, उसमें लिखा है, ताकि हम आगे को बालक ना रहे जो मनुष्यों की ढंग विद्या और चतुराई से उनके भ्रम की युक्तियों के और उपदेश के हर एक जोके से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हो। यहां पर आप ध्यान दीजिए मेरे प्रियो, अगर आप विश्वास में बालक ही रहते हैं तो क्या संभव हो सकता है मालूम है? आपको पता नहीं लगेगा कि आप क्या बात सुन रहे हैं और कौन आपसे क्या बात कर रहे हैं, ये जो बात आप सुन रहे हैं सत्य है यानी सच्चाई इसके अंदर है या नहीं। आज बहुत प्रकार के लोग मसीह के नाम में भी आपके घर में आ सकते हैं, यीशु का वचन को भी लेकर के आ सकते हैं, लेकिन यीशु मसीह कहता है कि अंतिम समय में भाग डालने वाली भेड़िए आपके घर में आपके कलीसिया में आ सकते हैं। आपको देखना है, आपको समझना है, अगर आप वचन में परिपक्व हो, वचन के जानकारी आपके अंदर है, तो कोई भी भेड़िए कोई भी गलत आत्मी आपको आपको शिकार नहीं बना सकता, आपको विश्वास से हटा नहीं सकता। यहां पर पौलुस इफिसियों की पुस्तक में उनको सलाह दे रहे, भाई बहन आप किसी प्रकार की मनुष्यों के ढंग विद्या और चतुराई से उनके भ्रम की युक्तियों के और उपदेशों के हर एक जोके से उछाल और इधर उधर घुमाए ना जाना। कभी कभी हम विश्वास में स्थिर नहीं हो पाते हैं। एक भाई एक पास्टर था, एक बार उसने मुझे एक बार कहा, पास्टर साहब मैं 15 साल पास्टर रहा लेकिन
मैं आज जिस पर विश्वास करता हूं उसके बाद मुझे मालूम पड़ रहा है मैं 15 साल गवाया, मैं मूर्ख बन गया, मैं मेरे जीवन में कोई कुछ आशीष नहीं थी। उसका कहने का मतलब यही था, पहले जो वो जो वचन का प्रचार करता था उसके बाद में किसी ने उनको भटकाया, किसी ने उनको कुछ और विश्वास के बारे में बताया, तो उनको लगा कि वो विश्वास सही है, तो पुराने उनके सही जो विश्वास में थे उनको छोड़ करके, उस चीज को छोड़ करके नई विश्वास में जब आए तो उनको लग रहा है कि पुरानी बातें सारे बेकार की बात, मन फिरना, बपतिस्मा लेना, ये सब बेकार की बात थी, और विश्वास में आगे बढ़ना बेकार की बात थी, और जो परमेश्वर में बने रहने का, बाइबल पढ़ने का, ये सारी बातें उनके लिए आप बेकार लग रहे हैं। क्या कारण है? क्योंकि उनके अंदर वचन की परिपक्वता नहीं थी, उनके अंदर परमेश्वर के वचन का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, वो सिर्फ एक नाम का विश्वासी बन कर रहा है। बाइबल तो जैसे मैंने पहले ही आपको कह चुका था कि सिर्फ औतक्या के नीचे रखने की साधना बनाकर रखा था, कभी उसको अपने हृदय में नहीं लाया। अगर आप वचन को अपने हृदय में नहीं लाएंगे तो आप उछाले जाएंगे, इधर उधर भटकाने वाला, घुमाकर घूमने वाला बन जाएगा, कभी आप स्थिर नहीं रहेगा। कुछ लोगों के जिनमें आप देखना कभी स्थिर नहीं होते हैं, उनको कहां कहां से क्या क्या कुछ मिलेगा वहां भाग जाते हैं, कभी स्थिर नहीं होते, वो कलीसिया ये कलीसिया उधर इधर भटकते रहते, इधर उधर अपने दिमाग को घुमा कर रखते हैं। वो कुछ लोग यही कोशिश में कि कहां जाने से मुझे बड़ी आशीष मिलेंगे, कहां जाने से मेरे जीवन में मुझे कुछ आर्थिक मदद मिलेगा, मेरे बच्चे की शादी हो सकते हैं, इन तमाम नाशमान चीजों के बारे में सोच विचार करके दिमाग को पूरा खराब करके परमेश्वर की ओर से दूर भाग जाते हैं। मेरे प्रियो, मैं जो बोलता हूं शायद आपको कड़वा लगता है या मीठा लगता है मुझे नहीं मालूम है, लेकिन एक बात परमेश्वर की आत्मा ने मुझे दी आपको बताने के लिए कि आप इधर उधर ना जाएं, परमेश्वर के वचन को छोड़ के ना जाएं, आपके जीवन में परमेश्वर को इनके वचन को अपने हृदय में ढाल ले, आप उस हृदय में स्वीकार करें, आप देखें कि मैं आप कितना परमेश्वर में आत्मिकता में बड़ा हुआ व्यक्ति होंगे। और अगर आप परमेश्वर में बड़ा हुआ व्यक्ति हैं, विश्वास में आप मजबूत हैं, विश्वास के उस ऊंचे स्तर में आप जा चुके हैं, बाइबल को भली भांति आप पढ़ते हैं, तो आपको मन पड़ेगा कि दुनिया के कोई भी धोखा, कोई भी गलत शिक्षा, कोई प्रकार के गलत आत्मी आपके ऊपर प्रभुता नहीं करेंगे, उससे आप अलग हो जाएंगे, कभी भी उसके धोखे में नहीं आएगा। आज दुनिया में बहुत सारे उपदेशक हैं जो बात कहने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन आप फर्क करके देखना सही विश्वास, सही आत्मिकता क्या है, किसी दूसरे से सुनने का भी जरूरत नहीं, आप खुद बाइबल पढ़ करके देखिए। इसलिए मैं आपको चुनौती देता हूं, चैलेंज करता हूं, बाइबल पढ़ो, हर एक गलती से आप अलग रहेंगे। बाइबल पढ़ करके उसको मनन करके देखो, कोई भी शैतान की ताकत आपको नहीं गिरा सकते, कोई भी अंधकार की ताकत जो इस दुनिया में काम कर रहे हैं वो आपको कसकर पकड़ नहीं सकते, आपको धकेल नहीं सकता, आपको धक्का मुक्की देके आपको नहीं गिरा सकता, क्योंकि आपके पैर वचन में खड़ा है, स्थिर है, वचन में आप बढ़ चुके हैं, परमेश्वर यीशु मसीह के डिलडोल तक आप बढ़ चुके हैं, उन तक आप पहुंच चुका है, तो कोई भी आपको वचन से अलविदा नहीं कर सकते हैं। इसलिए शैतान के किसी प्रकार के भ्रम की युक्तियों के अंदर, उनके उलझाने वाले, भटकाने वाले उपदेश के हर एक जोके में आप इधर उधर ना जाएं, आप परमेश्वर के वचन में आ जाएं। मेरे जीवन में भी कई बार मुझे यह नहीं मालूम था कि अगर मैं बाइबल के वचन को इतने ध्यान से पढ़ोगे तो मेरे जीवन में बदलाव आ जाएगा। मैं भी एक साधारण प्रचारक के रूप में कार्य करता रहता कई साल तक, लेकिन मैंने कोई आशीष को नहीं देखा। लेकिन जब मैं बाइबल को गहन अध्ययन करना शुरू किया, बाइबल को रोज पढ़ना, मनन करना, अपने बाकी व्यस्त समय को छोड़ करके बाइबल को पढ़ना और प्रार्थना करना, परमेश्वर की इच्छा मेरे जीवन के लिए क्या है यह ढूंढना शुरू किया, तो सचमुच में परमेश्वर ने मुझे अपने अभिषेक से, अलग वरदानों से, सेवकाई की विभिन्न इलाकों में,
विभिन्न एरिया में मुझे इस्तेमाल करना शुरू किया। आज इस टीवी के माध्यम से भी आपके बीच में मैं इसलिए हूं ताकि मैंने एक बार बाइबल पढ़ना शुरू किया है। ये बाइबल ने मुझे रूपांतर किया, परिवर्तन किया। ये बात मैं आपको कह रहा हूं क्योंकि आप कभी भी भटका ना जाए, धोखेधड़ी में ना जाए, तो आपको बाइबल की प्रोसेशन की जरूरत है, परिपक्वता की जरूरत है। सो बालक होकर के हमेशा ना रहे, आपको कभी बालक रूप में ना रहना। नए उपदेश की हर एक बुरे बुरे आदतों से, उनके विचारों से आपको अलग रहना है, इधर उधर नहीं भटकाना। मेरे प्रिय भाई बहन, जो भी आप मुझे सुन रहे हैं, मुझे आपसे निवेदन है, बाइबल को आज से आप गहन धूल देकर पढ़ना शुरू कीजिए, गहन ध्यान करना शुरू कीजिए, उसको छोड़ना नहीं। ये आपको ऊंचाई में लेकर के आएगा, आपको कोई गिरा नहीं सकता, कोई धोखाधड़ी में नहीं फंसेंगे, आपने विश्वास में बढ़ते हुए दिखाई देगा। आइए मेरे साथ अपनी आंखों को बंद रखिए, आप एक क्षण प्रार्थना कीजिए। प्यारे यीशु मसीह, मैं इन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूं, जो भी भाई बहन प्रभु आज यहां पर मुझे सुन रहे हैं, उन्हें आशीष देना परमेश्वर, विश्वास में, आत्मिकता में, वचन में बढ़ने का उन्हें अवसर दे। किसी प्रकार की धोखे में उलझाने वाली और हमें भटकाने वाली कोई भी अन्य उपदेश में उन्हें ना गिराए परमेश्वर, सही वचन में बने रहने के लिए उनको सहायता करें। यीशु नासरी के नाम से आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच। अगला हमारे एपिसोड देखना ना भूले। आप सबको स्वागत है। सियोन के सफर, सियोन के सफर, खुदा के साथ हमारे साथ, जाओ कदम बढ़ा के, थक न जाना फिर न जाना, ये सियोन के सफर, सियोन के सफर, सियोन के सफर, खुदा के साथ हमारे साथ, जाओ कदम बढ़ा के, थक न जाना फिर न जाना, ये सियों के सफर। आप सभी प्रार्थना सहकर्मियों के लिए हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और आपसे अनुरोध करते हैं कि आप हमारे विभिन्न सेवकाइयों के लिए लगातार प्रार्थना कीजिए। जैसा दिल्ली में गुड टायरिंग बाइबल इंस्टीट्यूट, जो इवनिंग में शाम के समय में संपन्न होते हैं, जिसमें आप लाभ उठा सकते हैं, बाइबल अध्ययन के लिए आप स्वागत हैं, आप उसके लिए विशेष प्रार्थना कीजिए। उत्तराखंड हल्द्वानी में गुड टायरिंग बाइबल इंस्टीट्यूट के एक साल के सर्टिफिकेट कार्यक्रम है, जिसमें भी आप आ सकते हैं और उसमें भाग ले सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं। 3 महीना की विशेष चेला बनाने की सेवकाई है, प्रोसेशन है, ग्रेट कमीशन डिसाइपलशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम, इसमें आप अपने जवानों को भेज सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं। इसके अतिरिक्त में कलीसिया स्थापना और निर्धन बच्चों को मुक्त शिक्षा प्रदान करना और अन्य बहुत प्रकार के सामाजिक सेवा, जिसके द्वारा हम परमेश्वर के प्रेम को आगे पहुंचाते हैं। इस कार्यक्रम के बारे में अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारे पता नोट कीजिए। गुड टायरिंग, 730 सनलाइट कॉलोनी, सेकंड आश्रम, न्यू दिल्ली 110014। हमारे वेबसाइट में भी आप लॉग इन कर सकते हैं, www.goodtiding.org। हमारे ईमेल एड्रेस है info@goodtiding.org। May the Lord bless you.
थैंक यू वेरी मच। दिल्ली में अगर आप आत्मिक संगति को चाहते हैं तो रविवार की आराधना सभा में भाग लीजिए। गुड टाइडिंग चर्च हर रविवार 9:30 से 12:30 तक आश्रम नई दिल्ली में होते हैं, आप उसमें भी स्वागत है। व्यर्थ है सब ये जीवन में।